हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है और ये घुटने को सपोर्ट देने का काम करता है। जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आपको दौड़ने भागने में दिक्कत होती है। कई लोग ज़बरदस्ती लिगामेंट टूटने के बाद भी दौड़ने भागने की कोशिश करते रहते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसी गलती से कभी उनका मेनिस्कस फट जाता है, कभी उनका कार्टिलेज फट जाता है, बल्कि वो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके लिगामेंट टियर है तो आप स्पोर्ट्स या रनिंग जंपिंग करने से थोड़ा दूर ही रहिए। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जो कि बहुत दूर से हमारे पास ACL के इलाज के लिए आए हैं, तो आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मनोज। मनोज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मनोज, उड़ीसा संबलपुर से। आपको लिगामेंट की जो चोट थी वो कैसे लग गई थी? बाइक से गिरने की वजह से लग गई थी। तो ये कितने दिन पुरानी बात है और आपको क्या दिक्कत आ रही थी? 7 से 8 साल हो गया। तो चलने में, दौड़ने में सर लचक मार रहा था, जंपिंग नहीं कर पा रहा था, सिर्फ चल पा रहा था। तो 7 से 8 साल तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो आपको क्या पता नहीं था या फिर आप अपना इलाज नहीं करा पा, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? नहीं सर, मुझे पहले पता नहीं था। जब मैं पहले दिखवाया तो उन्होंने एक्सरे करवा के उन्होंने बोला अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो मैं इसी उम्मीद में था कि वो अपने आप ठीक हो जाए। फिर आपका वीडियो मैंने देखा यूट्यूब में, आपने जो बात बतवाई तो वहाँ में वो सब मेरे ऊपर आ रहा था। तो फिर मैंने सर MRI जाके करवाई तो पता चला कि ACL की टियर है। तो जब आपको ये पता चल चुका था कि ACL लिगामेंट टियर है, तो आप उड़ीसा में इलाज क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे? वहाँ में सर उतना मतलब उतना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और कोई गारंटी भी नहीं रहता कि आप इलाज होने के बाद 100% सक्सेसफुल हो। तो आप जब इतनी दूर आए YouTube पर देख के, तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कई लोग बोलते हैं कि YouTube पे चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं लेकिन सच्चाई नहीं होती। यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? सर YouTube में देख के जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पे ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ? कई लोग तो डर के मारे ही ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द होगा। नहीं सर, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ सर। तो दोस्तों, अब इनको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्होंने 5 साल निकाले लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 साल में भी लिगामेंट की चोट अपने आप ठीक नहीं होती, उसमें आखिरकार आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। इनके साथ तो ये भी दिक्कत थी कि डॉक्टर्स ने इनकी MRI नहीं करवाई, तो इनको पता भी नहीं चला कि लिगामेंट टियर है। MRI में मेरा ACL के साथ मेनिस्कस भी लिखा हुआ था, लेकिन आपने बोला कि सर मेनिस्कस की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ACL का प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर मैं कभी कैमरा डालता हूँ और आपके MRI गलत है, अगर ACL नहीं है, मेनिस्कस नहीं है, तो हम लोग पैसे रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हम कभी भी सिर्फ MRI के बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं करते। जब हम कैमरा अंदर डालते हैं पहले चेक करते हैं कि वास्तव में ACL टियर है कि नहीं। कई बार MRI की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। MRI की रिपोर्ट से कभी भी 100% पता नहीं चलता, जब आप कैमरा डालते हो तो रियलिटी पता चलती है। और अगर मुझे लगता है कि आपका ACL पूरा ठीक है तो हम दोबारा से कैमरा वापस निकाल के पेशेंट को बता देते हैं। जैसे कि इनके केस में ACL टूटा हुआ था लेकिन MRI पे जो मेनिस्कस था वो टूटा हुआ नहीं था, तो MRI पे मेनिस्कस के जो भी खर्चा इनका लगने वाला था वो मैंने रिटर्न कर दिया। तो आप अगर उड़ीसा के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रिकमेंड करोगे कि ऐसी ईमानदार जगह पर वो आ सकते हैं? जी सर, कोई भी अगर किसी की ACL की या कंधे की कोई भी दिक्कत हो तो आके नवीन शर्मा सर को दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब इनको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन हमारा एक्सरसाइज सिस्टम है जिसकी मदद से ये घर पर बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ही दिनों में पुलिस दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएँ।